प्रशासन BSF दे अधिकारियों वालों बार्डर एरिया दे विच लगातार मीटिंगां कीतियां जा रही सन ते लोकां नूं सुचेत किया जा रहा सी। इस सिलसिले दे विच पिंड वासियों वालों एक सूचना दी गई कि पाकिस्तान वालों हिंदुस्तान की सरहद दे विच ड्रोन एंटर किया है, इसलिए प्रशासन पब्बा पार है ते लगातार सरहदी खेतरां दे विच ड्रोन की भाल जारी है। आओ देखते हैं जितेंद्र कुमार दे नाल कृष्ण गोपाल की विशेष रिपोर्ट। रात को ड्रोन आए और ये रास्ता जो गांव है यहाँ के लोगों ने भी उसकी आवाज़ सुनी है और उसके कारण ये पूरे इलाके में पुलिस के साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और जो इनकी रेंज है अभी ये बॉर्डर से ये एरिया तकरीबन 10-12 किलोमीटर तक पीछे है तो ये चिंता का विषय है। तो लोगों के साथ हम मीटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर और सबको बता रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक का सहयोग इंफॉर्मेशन देने में बहुत बहुत ज़रूरी रहेगा ताकि जो भी क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जा सके और इस जो गलत कार्य हो रहा है इसको जल्दी से जल्दी रोका जा सके। सर अभी तक कुछ मिला है? नहीं, सर्च अभी चल रही है, पूरे इलाके की सर्च जारी है। पुलिस की और BSF की संयुक्त पार्टी कल रात को 11 बजे से ही पूरे इलाके में तैनात है पर चूंकि ये इलाका काफ़ी पीछे है 9-10 किलोमीटर और अभी कंफर्म हो गया है लगभग कि इस इलाके तक लोगों ने आवाज़ सुनी है जैसा कि रस्ता गांव के लोगों ने बताया। तो अभी से पूरे इलाके की सर्च करी जाएगी, CCTV को चेक करा जाएगा, जो भी हमारे सोर्स हैं उनसे पूछताछ करी जाएगी, जो भी क्रिमिनल पैरोल पे और बेल पे यहाँ पे हैं देखा जाएगा किसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। थैंक यू। हम सभी गांव के लोगों से पंजाब के सीमावर्ती जो बॉर्डर गांव के इलाके हैं उनसे हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि वो भी अपने अपने गांव में विलेज डिफेंस कमेटी बनाएं, चौकीदार रखें और किसी भी तरह की कोई ड्रोन की आवाज़ सुनाई देती है या संदिग्ध लोगों का मूवमेंट दिखता है रात के समय तो तुरंत हमारे साथ पुलिस के साथ नंबर शेयर करें क्योंकि उनका सहयोग इस जो गलत काम हो रहा है जो जिस तरह से ड्रग्स का जो संभावनाएँ लाए जा रहे हैं या हथियार लाया जा रहा है उसको रोकने में उनकी मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फाइनली अंत में जो ड्रग्स यूज़ होगा वो यहीं के लोगों के खिलाफ होगा, हथियार यूज़ होंगे वो यहीं के लोगों के खिलाफ होंगे। तो हमें बहुत सबके साथ की बहुत बहुत ज़रूरत है और तभी हम इसको जो एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है और नशा फैलाने की जो कोशिश करी जा रही है पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत उसको हम नाकाम तभी कर सकते हैं जब जन समुदाय का हमको समर्थन मिले। सर 1,00,000 रुपये की नापी पूछना? हाँ, वो इनाम अभी भी हमने रास्ता और गाँव में बताया कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन देगा जिसके कारण हमें रिसीवर पकड़ा जाए जो भी ड्रोन को से गिराए हुए सामान को लेने आता है या जिसके द्वारा जिसकी इन्फॉर्मेशन पे हम ड्रोन को मार गिराए तो उसको 1,00,000 रुपये का BSF की तरफ से रिवार्ड दिया जाएगा, उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा। साडा कंबाइंड सर्च ऑपरेशन चल रहा जी BSF दे नाल, ये असी अदरवाइज़ भी अगे भी रूटीनस के चलते रहते हैं अज भी असी स्पैशल सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं भी इस जिन्ना एरियस से सानू कोई ड्रोन प्रोन एरियस ने जिते होंगे भी ड्रोन के ज़्यादा चांसिस रेंगे ने आने उन्होंने एरिया बेसिकली सर्च कर रहे हैं। नहीं अज इन्फॉर्मेशन सी भी कोई जिम्मे ड्रोन आया है रात को
बट इनू आप 100% नहीं असं कह सकते भी आया या नहीं आया, बट एक इनफॉर्मेशन जरूर आई सी तो रिगार्डिंग असी हुण सर्च कर रहे हैं सारा। सर अच्छा पिंड जा रहा ये देखो हुण इस टाइम असी रत्ता पिंड है, पड्डा पिंड हैगा, इस तो पहला असी थिएटर के है जां जिन्ना भी अपने बॉर्डर के नाल लगते पिंड है उत्थे करते हैं सारे सर्च। कोई चीज़ नहीं इस तरह कुछ नहीं है, जो कोई शक्की चीज़ है इस तरह की कुछ नहीं मिले।